हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 28 मार्च और 28 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों यह बन गए पुष्कर सिंह धामी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। और आप देख सकते हो यह है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की, जिसकी राजधानी है दोस्तों देहरादून और गैरसन। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो यह पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। उत्तराखंड के अगर गवर्नर की बात करें तो यह गुरमीत सिंह है, और उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है दोस्तों राघवेंद्र सिंह चौहान है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश है दोस्तों जो उत्तराखंड की सीमा से लगते हैं, एक तिब्बत जो कि चीन का हिस्सा है और दूसरा नेपाल। और यहीं पे आपको मैं बता दूं कि जो उत्तराखंड है इसकी लोकसभा सीट कितनी है तो 5 है, राज्यसभा सीट कितनी है तो 3 है, और विधानसभा सीट कितनी है तो 71 है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो यह पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। तो रिविजन का पहला क्वेश्चन है कि 13वां ग्रीन स्टार में फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार को जीता है मोहम्मद रजा मासूमी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वर्म को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों ये है कहाँ का वाद्य यंत्र, तो तमिलनाडु का। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। दोस्तों ये है, याद रखना, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की पद्मभूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन गए हैं। दोस्तों यह बने हैं देवेंद्र झाझड़िया, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे घोषित किया गया है। दोस्तों यह घोषित किया है बायजूस को, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों इनका नाम था अभिषेक चटर्जी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित किया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिविजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है स्कॉट जॉन मॉरिसन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हर साल विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो विश्व थिएटर दिवस मंच की शक्ति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 27 मार्च को हर साल मनाया जाता है। यह थिएटर दोस्तों कला के महत्व को भी बताता है और साथ ही हमें आगे बढ़ना, मनोरंजन करना, सिखाना और बदलना जारी रखता है। इस दिन की अगर हम शुरुआत की बात करें तो यह दोस्तों 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा की गई थी, जो कला प्रदर्शन के लिए एक वैश्विक संस्थान है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हर साल हम विश्व थिएटर दिवस कब मनाते हैं, तो 27 मार्च को। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बरसामा शील्ड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। इसका आयोजन किया गया है दोस्तों मलेशिया में, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास 5 देशों, जैसे कि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया के सशस्त्र बलों के बीच में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों वर्ष 2022 में मलेशिया बरसामा शील्ड 2022 से सैन्य अभ्यास की अध्यक्षता करने वाला है। कौन अध्यक्षता करने वाला है दोस्तों, तो याद रखना मलेशिया। और इसका आयोजन स्थल कहां पर है, तो मलेशिया में है। और आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ है। इसका आयोजन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो है, इसका आयोजन दिल्ली की प्रगति मैदान में किया जा रहा है। इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन मतलब ITPO और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा किया गया है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करता है। अगर यहाँ पे हम दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो स्मार्ट शहरों के लिए नॉलेज हब स्थापित करना है। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो की जो शुरुआत है दोस्तों वह 2015 में की गई थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन वन, नई दिल्ली। मतलब ये जो 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो है, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बन गए हैं? दोस्तों आप देख सकते हो ये है रविंद्र जडेजा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन। तो दोस्तों रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि ये जो रविंद्र जडेजा है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो महेंद्र सिंह धोनी का स्थान लिया है। और ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है मतलब IPL है दोस्तों, इसके 15वें संस्करण का जो आयोजन है वह 26 मार्च से शुरू किया गया है। तो यहाँ पे याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से। यहाँ पे हम बात कर रहे थे IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग की। दोस्तों IPL का जो पहला संस्करण है वह 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता अगर टीम की हम बात करें तो राजस्थान थी, और उप विजेता टीम कौन सी थी? तो यह चेन्नई सुपर किंग्स थी। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि 2021 में जो IPL का 14वां संस्करण हुआ था, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो भारत और UAE देश में किया गया था। यहीं पे मैं आपको बता दूं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो IPL 2021 हुआ था, इसमें विजेता टीम की अगर बात करें तो यह दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। यह आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन वन, रविंद्र जडेजा, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बनाए गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? दोस्तों यह बने हिसासी ताकेउची। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हिसासी ताकेउची, जो कि भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो केनिची याओकावा का स्थान इन्होंने लिया है। यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मारुति सुजुकी इंडिया है, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो यह 1982 में की गई थी, और इसका मुख्यालय याद रखना नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन वन, हिसासी ताकेउची। और इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों? तो केनिची याओकावा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वह किसने जीता है? दोस्तों इस पुरस्कार को जीत लिया है मारियो मार्सेल ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन टू। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मारियो मार्सेल, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चिली के सेंट्रल बैंक का अगर यहाँ पे हम नाम की बात करें दोस्तों, तो यह बैंको सेंट्रल डी चिली है, ये आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? दोस्तों शीर्ष पर जो रहने वाला राज्य है वो है दोस्तों गुजरात। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नीति आयोग है, इसके द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक मतलब ये दोस्तों एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, यह 2021 के अनुसार गुजरात को लगातार दूसरे वर्ष दोस्तों निर्यात तैयारी के मामले में भारत का शीर्ष राज्य नामित किया गया है। यहीं पे अगर हम दोस्तों बात करें सूचकांक में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर कौन से राज्य रहे हैं, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक और चौथे स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु राज्य रहा है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फोर, गुजरात राज्य। मतलब नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 45 की। इससे भी पहले दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका जवाब दोस्तों आप सभी को देना है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि गोवा राज्य की राजधानी क्या है और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 45 की।
दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो भारत में आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का डेली जीके तड़का डोज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, याद रखना कौन सा पॉइंट है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा चार राज्यों को स्पर्श करती है। दोस्तों चार राज्यों से स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा जिला है, यह सोनभद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों विजय घाट, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था जिसका नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम है परम 8000, याद रखना नाम परम 8000 है। यह दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों चाणक्य, मतलब कौटिल्य ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, आपको याद रखना है कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है। दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, मतलब लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन कि रामायण के रचयिता कौन है। यह है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि, राइट आंसर है यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता है। और आज का डेली जीके तड़का डोज का लास्ट डोज है कि बैरोमीटर के पैमाने में अगर अचानक गिरावट आने लगे तो मौसमी दशा इंगित होती है। तो दोस्तों इसमें तूफानी का मौसम, यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि बैरोमीटर के अगर पैमाने में अचानक गिरावट अगर दर्ज होती है तो दोस्तों इससे पता चलेगा कि तूफान आने वाला है। और एक बार और देख ले तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही आपको गोवा राज्य की राजधानी क्या है और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।